पिछले एपिसोड में ताज द सीईओ ऑफ टाइटन एंटरप्राइज जिसके पास लियो गैलेक्सी की सबसे बेस्ट कार रेसिंग टीम है, उन्होंने अपने आदमी को रॉय के ग्रैंडपा से मिलने भेजा और कुछ जरूरी जानकारी लेने की कोशिश की। रॉय को कार रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो डिलीवरी के लिए जा रहा था तो इत्तेफाक से वो एक रेसिंग क्लब में पहुंच गया। रॉय, ये क्या चल रहा है? बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? हमारी कामयाबी का सीक्रेट है कि हमारा प्रॉमिस हम अपने कस्टमरों के साथ करते हैं, जहां वो चाहे वहां नूडल्स की डिलीवरी करते हैं। 10 मिनट, मैंने किसी ही घर को टक्कर मार दी। मैं उन्हें बाद में समझा दूंगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। रॉय, वहीं रुक जाओ, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हाँ, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे थे तुम? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। रॉय, तुम कितने लापरवाह हो। ये मेरे भाई की फेवरेट रेस कार थी। मुझे जाने दो, मैं नूडल्स डिलीवर करके आता हूँ। ओह थैंक गॉड, मेरी कार को कुछ नहीं हुआ। कैप्टन, आपकी कार ये तूने क्या किया मेरी कार के साथ? नहीं, मुझे इसी वक्त जाना होगा। घबराओ मत, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं अभी 10 मिनट में वापस आता हूँ। यहां से भागने की कोशिश भी मत करना। क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? तो आओ, मारो मुझे। गैलेक्सी, झगड़ा शुरू मत करो। सिंडी, हमें अकेला छोड़ दो। नहीं गैलेक्सी, ये मेरा क्लासमेट है। हाँ, तो तुम इसके भाई हो, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती है। ब्रदर, रॉय ने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज गुस्सा मत करो। सिंडी, तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो। उसने मेरी कार को टक्कर मारी और अब वो भाग रहा है। मैं वादा करती हूँ वो भागकर नहीं जाएगा। कौन कहता है कि मैं भागकर जा रहा हूँ? मैंने पहले ही कहा मैं नूडल्स डिलीवर करके 10 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, क्या तुम लड़ना बंद करोगे? रॉय झूठ नहीं बोल रहा है, वो अपने ग्रैंडपा के लिए नूडल्स डिलीवर करता है, वो एक मेहनती लड़का है। ओके, ठीक है, तुम मेरी बहन के फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर मेरी कार तुम्हें ठीक करनी होगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ और सिंडी को पता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। चलो सिंडी, चलो चलते यहाँ से। चलो सिंडी, ऐसे दोस्तों से मिलना जुलना बंद करो, चलो जल्दी। हाँ? सिंडी, सच कह रहा हूँ, तुम ऐसे लोगों से मिलना जुलना सच में बंद करो। रॉय, इतनी देर तक मत जगा करो। यस ग्रैंडपा। ओह गॉड, ये कार तो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। क्या मुझे सच में उस लड़के के लिए नई कार लेनी पड़ेगी? ये मैंने क्या कर दिया? ये पैसे मैंने ग्रैंडपा के रेडियो के लिए रखे थे, पता नहीं क्या होगा, किस मुसीबत में फंस गया मैं। इसका कोई जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आंटी लुईस, ये रहे आपके नूडल्स। हे रॉय, तुम हो? आंटी, ये रहे आपके बीफ के नूडल्स, जल्दी लीजिए, गर्मा गर्म है। थैंक यू, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। गुड बाय। बाय बाय आंटी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो स्टिमुलेटर्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें रेस कार के अलावा कुछ भी नहीं आता। रॉय एक बहुत ही अच्छा लड़का है, काश तुम लोग उसके जैसे अच्छे होते। हाँ? हे रॉय, तुम आज इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? उस कार की वजह से। अपने भाई से कहना कि मेरा मतलब है, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो?
रॉय, एक मिनट, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मेरे भाई की कार द थंडरिंग हॉक, वो सिर्फ एक नॉर्मल रेसिंग कार नहीं है, उसका बेस बहुत हार्ड है और बॉडी बहुत लाइट और सेंसिटिव कंट्रोल्स, और उसकी शेप अच्छे स्पीड के लिए परफेक्ट है, वो बहुत बारीकी से डिजाइन की गई है, ये रेसिंग के लिए बहुत बढ़िया कार है। हे रॉय, तुम बोलो, तुम्हें क्या लगता है? बढ़ाई मारना बंद करो, ये सिर्फ एक रेस कार है। लो, ये रही मेरी सारी सेविंग्स, जाओ जाकर अपने भाई के लिए नई कार ले लो। ये तो आधी कार के लिए भी कम है। अब मैं क्या करूं? ये मेरी 6 महीने की सेविंग्स। रॉय, डिलीवरी में मेरी मदद करो। आ रहा हूँ, मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, अपने भाई से कहो कि वो 6 महीने के लिए रुक जाए। मेरे ग्रैंडपा को इस बारे में मत बताना। वो अच्छा बच्चा नहीं लगता, सिंडी से कहो उसे दूर रहे। कैप्टन, क्या उसे तुम्हारी कार वापस दे दी? अगर मेरी कार से कोई भी पार्ट्स गायब हुआ ना, तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरी कार चाहिए। हाँ, अंदर आ जाओ। मिस्टर मटेरा, तुम मुझे मटेरा कह के पुकार सकती हो। सो सिंडी, व्हाट्स अप? मैं? अब बताओ भी। आपके पास कितने थंडरिंग हॉक रिमेक्स है, क्या आप मुझे बता सकते हो? बस एक ही। पर मेरे पास उसके लिए पूरे पैसे नहीं है। तुम इस क्लब की मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट देता हूँ। रियली? पर मटेरा, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं? ओ ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए रिसीव करके रखता हूं, पैसे आने पर इसे लेके जाओ। पर मुझे अभी चाहिए थी। तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम एडवांस में मुझे पे कर सकते हो, शायद मैं फिर उसे अफोर्ड कर सकूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ मटेरा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। रॉय? हाँ? What's up? हाँ? हैं? तुम्हें कार मिल गई? हैं? वाओ! मुझे तो लगा था सिर्फ इतने पैसों में आधी कार ही आएगी। ये जानना जरूरी नहीं, अब मैं इसे ले आई हूँ। क्या ये कम दाम में मिली? पर अगर तुम्हारा स्टूपिड भाई इससे खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसके स्टूपिड भाई के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई स्टूपिड है, मैंने उस पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। ये रहा मेरे ग्रैंडपा का रेडियो। hey, गलती तुम्हारी थी, वो रेस कार उसके लिए बहुत मायने रखती है और तुमने उसे ठोक दिया। उसका गुस्सा होना सही है, तो मैं इससे तुम्हें नहीं दे रही। बाय, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी सिंडी, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो सिंडी। इसे मुझे असेंबल करने दो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे करने दो, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। मैंने तुम्हें कार रेसिंग के बारे में कितनी सारी कहानियां सुनाई है, और तुम की कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, तुम कितने खड़ूस हो। ठीक है, तुम ही करो। ये की पीस है जो रेस को साथ जोड़ता है, जब तुम रेस कार असेंबल करोगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसके बारे में जानता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। इसे बेस के साथ जोड़ दो। क्या तुम टायर और इंजन को सीधे बॉडी से जोड़ना चाहते हो? ओह, मैं तो भूल ही गया, ये तो कितना आसान है। इंजन को बेस के बीच में जोड़ दो, समझ गए? किया क्या तुमने? ओके। सही है। मेरे पास मेरी रेसर कार नहीं है। गैलेक्सी, मिस्टर मटेरा,
गैलेक्सी, तुम अभी भी हिस्सा ले रहे हो? तुम्हारा थंडरिंग हॉक कहाँ है? मेरी कार में कुछ गड़बड़ है मिस्टर मटेरा, क्या आपके क्लब में और एक थंडरिंग हॉक है? तुम नहीं लेना चाहते हो? सिंडी तो तुम्हारे लिए लाई थी ना? क्या सिंडी लाई थी? तुम्हारा स्टूपिड सा भाई कितना बेवकूफ है वो। क्या सिंडी, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने पहले मेरी मदद की थी। क्या, मैंने तुम्हारी मदद पहले की थी? तुम्हें याद है जब मुझे स्पोर्ट्स में हाई जंप से डर लगता था और मैं बार बार गिर जाती थी? आ आ आ, आ, मुझे लगता था कि मैं ये कभी नहीं कर सकूंगी, पर तुमने मेरी मदद की और मुझे सपोर्ट किया। तुम कर सकती हो सिंडी, चलो चलो सिंडी, चलती रहो। मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद से मैंने कर दिखाया, मैं पास हो गई और मैं बहुत खुश हुई थी। रॉय, सुन रहे हो क्या तुम? रॉय, ओ रॉय, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे अभी जाना होगा। गुड नाइट। याद रहे कल अच्छे से रहना। ठीक है ठीक है, तुम ये पहले ही बहुत बार कह चुकी हो। अगर तुम बीमार नहीं पड़ना चाहते तो घर जाकर सो जाओ। वो आएगा क्या? अगर वो कार लेकर नहीं आया तो हम उसे स्कूल में पकड़ लेंगे। मेरी कार कहाँ है? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगता मैं इसे तुम्हें दूंगा। तुम गैलेक्सी, रॉय मजाक करना बंद करो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये लुक बहुत पसंद है, मैं उसूलों वाला इंसान हूँ। गैलेक्सी, क्या तुम खुश हो? क्या तुमने इसे खरीद लिया है? नहीं, मेरी पड़ोसन ने फिक्स किया। गैलेक्सी, मैंने ये रॉय के लिए किया। मैं जानता था ये इसे अपने आप नहीं कर सकता। क्या तुम इससे खुश हो? अरे बताओ, अच्छा लगा या नहीं? एक्टिंग करना बंद करो। चलो चले। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो सिंडी? तुम्हें अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। सिंडी, मेरे साथ आओ। हे, ये क्या तरीका है, तुमने शुक्रिया भी नहीं कहा। ओए लड़के, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? बस देखते जाओ। तुम्हें भी मेरी बाइक ठीक करनी होगी। सिंडी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बेकार लड़के से मिलना जुलना बंद करो। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, आगे से तुम इसे नहीं मिलोगी। हे, तुमने बेकार किसे कहा? रॉय, क्या तुम ये सब बंद करोगे? मैंने उसे उसकी कार दे दी, क्या वो सिर्फ एक थैंक यू नहीं कह सकता? मैं जानता हूँ कि ये कार तुमने खुद से नहीं खरीदी है, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये सिंडी की मेहनत से हुआ है। क्यों, कैसे लग रहा है? सिंडी, मेरे साथ चलो और ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद करो, समझ गई? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं जानता हूँ कि ये कार तुमने खुद से नहीं खरीदी है, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये सिंडी की मेहनत से हुआ है। सिंडी, मेरे साथ चलो और ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद करो, समझ गई? क्या ग्रैंडपा बाहर है? हाँ? कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ। आ!
अरे बाप रे, भगवान, इसने दरवाजा फिर से खुला छोड़ दिया। ये क्या करके रखा है इसने? याद करो, मैंने कहा था ये सिर्फ शुरुआत है। जो मैं चाहता हूँ, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता तब तक छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ताज, ग्रैंडपा। रॉय, ये तुमने क्या करके रखा है और तुम्हें क्या हुआ? ग्रैंडपा, हमारे घर के अंदर कोई चोर घुसा था और मैंने उसे देखा। मैं उसे पकड़ने गया था। कहाँ है वो चोर? वो चला गया। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी बाइक ठीक नहीं की, वरना मैंने उसे पकड़ लिया होता। क्या बताऊं दादाजी, पिछले कुछ दिन कुछ ज्यादा ही खराब थे। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ली फैमिली का कोई भी सदस्य किसी भी कार रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर लिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। याद करो, मैंने कहा था ये सिर्फ शुरुआत है। जो मैं चाहता हूँ, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता तब तक छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ग्रैंडपा। रॉय। ग्रैंडपा, मैंने चेक किया, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। जो उन्हें चाहिए था वो यहाँ पे था ही नहीं। ग्रैंडपा, आखिर उन्हें चाहिए क्या था? रॉय, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। वो क्या ग्रैंडपा? पहले वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। हाँ ग्रैंडपा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऑलराइट रॉय, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये कार रेसिंग कभी नहीं करोगे। कार रेसिंग? वो छोटी कार जिनसे वो बच्चे खेलते। हाँ रॉय, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर कार रेसिंग कभी मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। कार रेसिंग से नफरत है मुझे। मेरा बस चले तो मैं सबको खराब कर दूं। पर तुम्हें कार रेसिंग से इतनी नफरत क्यों है? मेरा मतलब है कि मुझे वो छोटी कार्स बिल्कुल पसंद नहीं जिनसे वो बच्चे खेलते। मुझे तो मेरी बाइक पसंद है। मेरे बच्चे। ग्रैंडपा, मुझे उन कार से खेलने क्यों नहीं देते? कहीं उन्हें गैलेक्सी के कार के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मेरी मदद जरूर करते। हाँ, मुझे ग्रैंडपा की बात माननी चाहिए। मैं उन कार्स के साथ कभी नहीं खेलूंगा, मैं उन्हें कभी नहीं छूऊंगा। उसी की वजह से मेरे सारे बचे हुए पैसे भी चले गए, और ग्रैंडपा के जन्मदिन का तोहफा लाने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ग्रैंडपा, मैं अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा। मैं इसे ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए रेडियो ला सकूं। ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैं यहाँ से जो चाहे वो ले सकता हूँ। रहने दो, इट्स ओके, ये तेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तेज है, मैं इसे द डार्क लॉर्ड बुलाऊंगा। इस कार से दादाजी का रेडियो आ जाएगा। रॉय, डिलीवरी के लिए मेरी मदद करो। आ रहा हूं ग्रैंडपा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम ऑन, ये कम ऑन, हे हुर्रे। ये एमेच्योर्स के लिए एक लेजेंडरी वर्चुअल रेस ट्रैक है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम ऑन, हे हुर्रे। मुझे नहीं लगता तुम्हारी कार द डार्क लॉर्ड के आगे टिक पाएगी। Cool, how exciting! The amateur race track हमेशा से ही interesting है। रॉय अपने आप को एक रेसर समझता है, वो इस रास्ते की ओर जा रहा है।